अल्लाम स्टूडेंट्स लेक्चर सेवनटीन में फिर आपके साथ लास्ट लेक्चर में हम रिस्क की बात हो रही थी और पोर्टफोलियोज का हमने देखा एक्सपेक्टेड रिटर्न किस तरह वेरियंट और स्टैंडर्ड एवियशन हमने मैयर की और लास्ट पे जहाँ पे सिलसिला मुनकता हुआ था वो सिक्योरिटी मार्केट लाइन का एक टॉपिक था वी अंडर टू के एन एग्जाम्पल जिसमें कि हमने एक एज्यूम किया था कि एक रिस्क फ्री एसेट है और एक रिस्की एसेट है रिस्की एसेट वॉज ए और रिस्क फ्री एसेट बी था और उसमें हमने ये देखा कि अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट रिस्की एसेट में हम अगर इनक्रीज कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल के हंड्रेड परसेंट से हम उसको हंड्रेड एंड फिफ्टी परसेंट पे ले जाते हैं और जो रिस्क फ्री एसेट है उसमें से 50% जो है इन्वेस्टमेंट वो रिड्यूस कर देते हैं तो हमने ये देखा कि हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो भी इंक्रीज़ करता है और हमारा जो बीटा है जो रिस्क माइरमेंट है सिस्टेमैटिक रिस्क वो है वो भी इनक्रीज़ कर जाता है आइए उसी एग्ज़म्पल को कॉन्टीन्यू करते हैं और उससे फिर अपना आगे सिलसिला जो है वो कंटिन्यू करेंगे एग्जांपल आपके सामने ये जो आ, स्लाइड पे है इसमें आप ये देखें कि ओरिजिनली जो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न था आ, जो सिक्योरिटी ए है जो रिस्की सिक्योरिटी है दैट इज 18 परसेंट और अगर हम इसमें अपने इन्वेस्टमेंट जो है वो हंड्रेड तक ले जाते हैं फॉर एग्जाम्पल के इन्वेस्टर एक क्वेश्चन आपके टॉप ऑफ द हेड में आ सकता है कि जी हाउ वी कैन इंक्रीज इन्वेस्टमेंट टू हंड्रेड परसेंट उसमें यही हो सकता है देखिये कि अगर एक इस सुनारियों में जिसमें कि आपके पास एक पोर्टफोलियो में एक रिस्की एसेट है और एक रिस्क फ्री एसेट है आप ये कर सकते हैं कि आप अगर रिस्क फ्री रेट पे अगर आप फॉर एग्जाम्पल क्रेज कर सकते हैं फंड फिफ्टी और वो आप इन्वेस्ट कर दें एसेट ए में विच इज द रिस्की वन तो उस सनारियों में हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो 150 परसेंट के लेवल पे पहुंच जाती है इसी तरह हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है दैट विल राइज फ्रॉम 18 टू 27 परसेंट जिस तरह के आप ये हाइलाइटेड एरिया में देख रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो ए का ट्वेंटी आ गया और रिस्क फ्री का अब आप ये देख रहे हैं फोर है इट मीन्स के जो uh, 50 परसेंट रिडक्शन आएगी रिस्क फ्री में उसकी वजह से एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है रिस्क एसेट का वो भी हाफ पे चला गया क्योंकि इधर से ही आपने निकाल के 50 जो है वो स्टॉक ए में जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है अब आप ये देखें कि पोर्टफोलियो का अगर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे तो दैट इज से है और बीटा जो है दैट इज टू यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट रिस्की एसेट में ज्यादा हुई तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी ज्यादा हो गया और आपका बीटा भी ज्यादा होगा अब एक कम्बिनेशन के ऊपर नजर डालते हैं कि अगर हम डिफरेंट हमारे लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हों स्टॉक ए और स्टॉक बी में डिफरेंट लेवल्स हैं तो फिर हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न और बीटा पे क्या इफेक्ट होगा आइए इसको देखते हैं ये आपके सामने एक और स्क्रीन है इसमें आप देखें आपको दो कॉलम्स नजर आ रहे हैं एक का कैप्शन ए है और दूसरे का आर एफ है यानी कि ये सिक्योरिटीज हैं ए और दूसरी रिस्क फ्री है अगर हम ए में जीरो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली हंड्रेड परसेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्क फ्री में होगी ये इन्वेस्टमेंट लेवल्स आपको पहले मैं बता रहा हूँ अगर आप 25% जो है वो ए में करेंगे इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली 75% जो है वो आप रिस्क फ्री में कर रहे होंगे डाउन द लाइन द लास्ट लाइन इस एरिया uh, में 150% अगर आप करेंगे ए में तो ऑब्वियसली माइनस फिफ्टी जो है वो रिस्क फ्री जो सिक्योरिटी है बी में आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे ये डिफरेंट इन्वेस्टमेंट लेवल के कॉम्बिनेशनस हैं जो कि ए और पी एसेट्स में अब यहां पे देखते हैं कि इन लेवल्स पे हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो का क्या होता है और बीटा क्या है पार्ट ए है इसमें परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रही है जो कि अभी हमने डिस्कस की उसके बाद पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न है कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल वी मेक नो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक ए तो हमारा पोर्टफोलियो का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा दैट वुड बी एट परसेंट जो कि आपको सेकेंड कॉलम में नजर आ रहा है इसी तरह अगर हम स्टॉक ए में ट्वेंटी फाइव परसेंट की इन्वेस्टमेंट करते हैं इट मीन्स के सेवेंटी फाइव परसेंट की स्टॉक बी में हो रही है तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रिटर्न इस पोर्टफोलियो का आएगा दैट इज 10.50 फाइव जीरो और इसी तरह उसका बीटा जो है वो पॉइंट थ्री सेवन फाइव जीरो आ रहा है जो कि ट्वेंटी फाइव परसेंट इन्वेस्टमेंट लेवल है ए में आपने गौर किया कि फर्स्ट लाइन पे देर इज नो बीटा जो कि ज़ीरो परसेंट इन्वेस्टमेंट लेवल है स्टॉक ए में रिस्की एसेट में तो वहां पर चूंकि 100% आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्क फ्री एसेट में है तो रिस्क फ्री एसेट का बीटा जो है वो जीरो होता है सो दैट्स वाई उस वक्त आपके पोर्टफोलियो में एक ही सिक्योरिटी होगी दैट इज बी सिक्योरिटी अब इसी तरह डिफरेंट लेवल्स की बात हम कर रहे हैं कि अगर हमारे पास से हंड्रेड परसेंट इन्वेस्टमेंट अगर हम कर देते हैं रिस्की एसेट में तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो का है वो दैट इज एटीन परसेंट ये वही एटीन परसेंट है जो कि रिस्की एसेट जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसकी डेफिनेटली जब आप हंड्रेड परसेंट ए में कर रहे हैं तो देयर विल बी नो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक बी और रिस्की रिस्क फ्री जो सिक्योरिटी है सो द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज द रिटर्न ऑफर्ड बाय दैट सिंगल सिक्योरिटी और स्टॉक अंडरलाइंग दिस पोर्टफोलियो ट हंड्रेड परसेंट इन्वेस्टमेंट लेवल तो आप ये देखें कि यहाँ पे बीटा भी वही है जो कि इंडिविजुअल रिस्की एसेट ए का है तो उसमें हमने देखा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न और बीटा जो है वो चेंज हो रहा है जैसे जैसे आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न चेंज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है आपका बीटा बी जो है वो इंक्रीज हो रहा है आइए इस जो पर्टिकुलर ये जो डेटा हमारे पास आता है इसको पहले एक ग्राफ की शेप में देखते हैं एंड देन वी शेल रिटर्न बैक टू द लास्ट कॉलम व्हिच इज द कर्व स्लोप सो लेट्स सी एक ग्राफ इसको देखते हैं ये आपके सामने एक चार्ट है जो भी वैल्यूज थी हमने वो इसमें प्लॉट की हैं हम आपकी एक्स एक्सेस पे हमने पोर्टफोलियो बीटा को मैयर किया है और जो वाई एक्सेस हैं उसमें पोर्टफोलियो के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं अब आप ये देखें कि ये जो बोल्ड लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन जब हम तमाम इन्वेस्टमेंट लेवल पे एक्सपेक्टेड रिटर्न और पोर्टफोलियो बीटास को प्लॉट करेंगे तो ये लाइन जो है ये वजूद में आएगी इस पे आप ये देख रहे हैं कि एट एटीन परसेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्राम दिस पोर्टफोलियो वी हैव वन पॉइंट फाइव ऑफ बीटा अब ये अगर तमाम आप जो लेवल्स हैं उनको अगर इस पर प्लॉट करेंगे तो आप ये लाइन जो आप बोल्ड देख रहे हैं आप इसको डिवेलप कर सकते हैं अब ये जो इसकी लाइन की स्लोप है इसको आप मायर कर सकते हैं किस तरह कि आप इस ग्राफ की राइट right साइड पे एक फार्मूला को देख रहे हैं एक एर के साथ कि एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम स्टॉक ए जो है माइनस रिस्क फ्री जो रेट है आपका इसको माइनस करने के बाद जो भी आएगा प्रोडक्ट उसको हम बीटा से डिवाइड कर दें तो वी कैन मैयर द स्लोप ऑफ दिस लाइन बड़ा इजीली मैयर कर सकते हैं इस लाइन की स्लोप है इसको हमने कर्व स्लोप के नाम पे लास्ट कॉलम में रखा हुआ है अगर आप ये देखें कि लास्ट कॉलम जो है उसमें तमाम वैल्यूज एक जैसी आ रही हैं यानी कि सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन ये बेसिकली रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो है जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि मार्केट में किस तरह हाउ रिस्क इज़ रिवॉर्डेड इन द मार्केट तो ये रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो आ रही है और ये कॉन्स्टेंट है एट ऑल द इन्वेस्टमेंट लेवल कॉम्बिनेशनस इट इज़ कॉन्स्टेंट सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखें आप ये तो हमने किस तरह किया है इसको कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपेक्टेड रिटर्न है At investment level of 50% in stock A and 50% in stock B. So expected return is 13%. This may say risk free return rate hai. Risk free, which is 8%, where the beta is 0. So risk free rate jo hai 18, 13 minus 8 is equal to 5, or isko divide pass our beta r. इंट सेवन फाइव एट इन्वेस्टमेंट और लेवल ऑफ फिफ्टी परसेंट इन ए तो इसको अगर हम इस तरह करेंगे कि थर्टीन माइनस एट डिवाइडेड बाई पॉइंट सेवन फाइव तो ये हमें जो है वो सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन वो रिटर्न कर रहा है जो भी आपका इन्वेस्टमेंट लेवल है उस पर्टिकुलर लेवल पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफर कर रहा है पोर्टफोलियो का उसमें से आपने रिस्क फ्री रिटर्न जो है वो अगर सब्ट्रैक्ट करके उसको डिवाइड कर दें उस पर्टिकुलर लेवल का जो एक्सपेक्टेड बीटा है तो आपके पास ये कर्व मैर पेंट का एक जो है वो से आंसर आ जाता है जिसको कि हम रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो के नाम पे यानी कि इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो है दैट इज़ ऑफ स्टॉक ए इज़ सिक्स और पर यूनिट ऑफ से सिस्टमेटिक रिस्क ये इसका जो है वो रिवॉर्ड टू रिस्क रेस अब इसी तरह हम एक और जो है सिक्योरिटी उसको देखते हैं आप एक और स्लाइड आप देख लें पहले ये सिक्योरिटी ए से ही रिलेट कर रही है और स्ट्रेट लाइन जो हमने डेवलप की थी गोल्ड कलर में उसकी स्लोप की मेजरमेंट जिस तरह मैंने आपको है तो ये फार्मूला जरा आप नोट भी कर लें कि एक्सपेक्टेड रिटर्न जो था एक लेवल पे उसमें से हमने रिस्क फ्री माइनस करके बीटा किया फॉर एग्जांपल एट इन्वेस्टमेंट ऑफ 75 परसेंट द स्लोप इज से 15.5 पॉइंट विच इज़ एक्सपेक्टेड रिटर्न और उसमें से हमने एट जो है वो कॉन्सटेंट रहेगा बींग द रिस्क फ्री जो है वो रेट है और डिवाइड किया बीटा पे तो वो सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन आ गया तो ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट है बेसिकली ये रिस्क प्रीमियम भी होता है रिस्क फ्री रेट है कि जहाँ पे आपको कोई रिस्क आप फेस नहीं कर रहे जस्ट यू आर होल्डिंग यू आर दिस इज वेटिंग फॉर द मनी ठीक है कोई रिस्क नहीं है आपका तो अगर जो भी रिस्क होगा जितना भी रिस्क होगा डेफिनेटली जो रिस्क प्रीमियम होगा वो जितना लेवल ऑफ रिस्क है माइनस रिस्क फ्री तो वो रिस्क प्रीमियम के नाम से होगा ये जो फॉर्मूले का पहला पार्ट जो है ये एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री ये आपका रिस्क प्रीमियम इससे मयर किया जाता है दूसरी सिक्योरिटी की तरफ चलते हैं सिर्फ आपको प्रोवाइड कर रहा हूं एक और के हाउ वी कंपेयर रिबॉर्ड टू रिस्क रेश एंड हाउ वी इंटरप्रेट दैट इसी तरह एक और हमारे पास सिक्योरिटी है फॉर एग्जांपल बी है और उसका जो एक्सपेक्टेड uh, रिटर्न है दैट इज 14% और उसका बीटा जो है वो 1.1% है देखें सिक्योरिटी ए जो थी वो भी रिस्की थी सिक्योरिटी बी बी रिस्की है सिक्योरिटी ए जो थी वो एक्सपेक्टेड रिटर्न था एटीन का और उसका बीटा 1.5 था और दूसरी बात यह है कि जो बी है सिक्योरिटी अब बी एसेट जो है ये ऑफर कर रहा है 14% परसेंट और 1.1 पॉइंट वन हाउ यू कैन आई मीन मेक अ डिसीजन विच सिक्योरिटी इज बेटर कौन सी सिक्योरिटी बेटर है ए या बी तो इसमें भी इस चीज को भी हल करते हैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू अब यह देखें कि उसी तरह हम इन्वेस्टमेंट लेवल्स यहाँ पे भी डिफाइन कर रहे हैं ये एक हमारे पास से रिस्क फ्री सिक्योरिटी है और एक हमारे पास रिस्की सिक्योरिटी है और हमने इसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न और बीटा को लेके जो है वो यहाँ पे डाटा जो है वो कैलकुलेट किया हुआ अगर आप देखें तो जीरो परसेंट अगर हमने इन्वेस्टमेंट की है रिस्की एसेट बी में तो इसका मतलब है कि जो रिस्क फ्री एसेट की इन्वेस्टमेंट है विच इज 100 परसेंट अब यहां पे आपका जो पोर्टफोलियो का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो ऑबियसली वही एक्सपेक्टेड रिटर्न जो रिस्क फ्री सिक्योरिटी का 8 परसेंट वही यहां पे होगा दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे हम इनक्रीज कर रहे हैं यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट इन रिस्की स्टॉक तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है पोर्टफोलियो का वो आप नेक्स्ट कॉलम में देख रहे हैं कि एट फिफ्टी परसेंटेड इज इलेवन एंड से एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव परसेंटेड इज फिफ्टीन तो आप ये देख रहे हैं कि इसी तरह बीटा में भी वही मूवमेंट आ रही है इसको भी कर्व पे देखते हैं कि इसकी भी हम जो है अगर प्लाट करें तो आपको ये ग्राफ जो है ये भी बोररलैस उसी शेप का जिस तरह के इन्वेस्टमेंट ए में था वो आपको इन्वेस्टमेंट इन बी का नज़र आ रहा है कि यहाँ पे भी अगर वही डेटा हमने जो अभी वर्कआउट किया है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और बीटा को अगर हम प्लॉट करें कव तो इस तरह की आपकी बनेगी और इसकी स्लोप जो है जो लाइन जो है इसकी उसकी मैयरमेंट अगर करेंगे उसी तरह कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी माइनस रिस्क फ्री जो इंटरेस्ट रेट है हमारे पास एट परसेंट डिवाइड बीटा एट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट लेवल तो हमारे पास इसका रिस्क रिवॉर्ड टू रिस्क जो है या कर्व की स्लोप जो है विच इज 5.45 अब यहां पे कंक्लूजन है आप ये देख रहे हैं कि जो स्टॉक ए वाला कम्बिनेशन था जो जिसमें हमने स्टॉक एज्यूम किया हुआ था रिस्की इन्वेस्टमेंट का वो ऑफर कर रहा है उस पर रिवॉर्ड टू रिस्क है सिक्स और में रिवार्ड टू रिस्क है फाइव पॉइंट फोर फाइव अब यह देखें कि स्टॉक ए जो है दैट इज ऑफरिंग समथिंग मोर देन स्टॉक पी अब स्टॉक ए जो है वो अपने रिस्क से या मार्केट के रिस्क से जो है वो से सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन जो है वो ऑफर कर रहा है और सिक्योरिटी बी जो है वो ऑफरिंग लेस देन एज कंपेयर टू स्टॉक ए स्टॉक ए से जो है वो रिलेटिव relative, अब रिलेटिवली स्टॉक बी जो है वो कम जो है वो ऑफर कर रहा है अब इसका डेफिनेटली इट मींस के स्टॉक ए इज प्रोवाइडिंग मोर रिटर्न्स देन स्टॉक बी लेकिन अब होगा क्या इसका ये देखें कि स्टॉक ए इफ ऑफरिंग मोर रिटर्न्स, देन द इन्वेस्टर विल रश टू बाय स्टॉक ए ठीक है स्टॉक ए की डिमांड जो है वो स्टिमुलेट होगी इनक्रीज होगी ठीक है और उसकी वजह से स्टॉक ए की प्राइसेस जो हैं वो मूव करेंगी ऊपर की तरफ डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी शिफ्ट अपवर्ड और प्राइस विल इनक्रीज इसके जो एक्सपेक्टेड रिटर्न हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे जब एक्सपेक्टेड रिटर्न रिड्यूस हो जाएंगे तो फिर इस सिक्योरिटी को ये जो है वो बी के लेवल पर आना शुरू हो जाएगी थोड़ा सा इसमें डाउनवर्ड ट्रेंड इसके रिटर्न में शुरू हो जाएगा इन अदर वर्ड्स कि जो सिक्योरिटी बी है दैट इज ऑफरिंग लेस देन स्टॉक ए इसका क्या होगा कि लोग जो हैं इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है इस स्टॉक में जब अट्रैक्शन नहीं है जब डिमांड जो है वो स्क्वीज हो जाएगी कम हो जाएगी प्राइसेस विल कम डाउन और जब प्राइसेस डाउन आएंगी तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वह स्टॉक बी का ऊपर चला जाएगा इंक्रीज हो जाएगा मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का ये जो सिलसिला है वो जारी रहेगा टिल द टाइम दैट बोथ द स्टॉक्स आर ऑफरिंग द सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न और दे हैव द सेम स्लोप मयरमेंट और जो जिनका दोनों का जो रिवार्ड टू रिस्क रेशो है वो एक आएगा इट मीन्स कि बोथ सिक्योरिटीज जो हैं वो एक ही लाइन के ऊपर फिट इन हो जाएंगे डिमांड सप्लाई के में तो इसका कंक्लूजन क्या है कंक्लूजन है आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें तो लिखा है द रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो मस्ट बी द सेम फॉर ऑल एसेट्स इन द मार्केट यानी कि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो जो है तो जितने भी मार्केट में सिक्योरिटीज या स्टॉक्स है उनका एक होगा जिस तरह मैंने आपको यह बताया कि इट्स बेसिकली इट्स अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अगर एक सिक्योरिटी ज्यादा रिटर्न कर रही है तो उसमें डिमांड ज्यादा होगी पीपल विल इन्वेस्टर्स विल बी अट्रैक्टेड टू बाय दैट पर्टिकुलर स्टॉक और उसके नतीजे में उसकी प्राइसेस मूव होंगी आफ्टर एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न विल कम डाउन और इसी तरह जो दूसरा स्टॉक है उसका बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन होगा अनटिल बोथ ऑफ द स्टॉक्स हैव द सेम रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो थोड़ा सा अपने इस मौजू को और आगे लेके चलते हैं और एक स्लाइड देखें आप भी और ये बेसिकली इसका फंडामेंटल आउटकम है दैट इज द से क्रक्स ऑफ दिस होल ऑफ द डिस्कशन सो फॉर जो मैंने आपको अभी बताया उसकी ये एक से समझ लें इसकी समरी स्टॉक ऑफरिंग हैज कम्पेयर टू स्टॉक बी यानी कि रेलेटिव टू स्टॉक बी है स्टॉक ए जो है उसका जो रिवॉर्ड है रिस्क के साथ जो वो रिलेटिवली बी के साथ कंपेयर हो रहा है द सिचुएशन विल नॉट प्रसिस्ड इन अ वेल एस्टेब्लिश मार्केट इन्वेस्टर विल रश टू स्टॉक ए एंड स्टॉक बी विल नॉट बी ट्रेडेड मच दिस सिचुएशन विल पुश स्टॉक एज प्राइस अप एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक ए विल फॉल On the other side, the less attractive stock B's price will fall, increasing the expected return, and this will bring both stocks on the same line. That means both stocks will offer the same reward for bearing risk. Now, this is first phase of security market line, conclusion and you must remember that. इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं इसी को कि जब दोनों स्टॉक्स स्टॉक्स ए एंड स्टॉक बी वेन ऑफरिंग द सेम रिवार टू रिस्क तो हम उसको एक इक्वेशन के थ्रू भी लिख सकते हैं ये इक्वेशन आप ये देखें कि मिडल ऑफ द स्क्रीन आपको नजर आ रही है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्राम एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक ए माइनस रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ बी डेफिनेटली जब दोनों के रिस्क और रिवार्ड बराबर हैं तो फिर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के तौर पे हम उसको उस स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं अब इसको एक ग्राफ की सूरत में भी हम देख लेते हैं जो हमने इन्वेस्टमेंट ए और इन्वेस्टमेंट बी की बात की उसको इस ग्राफ पे देखते हैं देखें यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्टॉक्स हमने प्लॉट किए हैं वही एक्स एक्सिस पे जो है वो पोर्टफोलियो बीटास हैं और स्टॉक्स के इंडिविजुअल स्टॉक्स के बीटास हैं और वाई पे जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न है इंडिविजुअल स्टॉक्स का आप ये देखें कि हमारे पास से चार जो है, वो हैं वो स्टॉक्स हैं ए बी सी एंड डी अब ये देखें कि ए और बी जो है वो जो लाइन है बोल्ड ड्राइंग या स्ट्रेट लाइन जो है उसके ऊपर फॉल कर रही वेयर एज जो डी है स्टॉक डी ये अभी स्ट्रेट लाइन के नीचे है दिस इज से बिलो टू तो दिक्योरिटी मार्केट लाइन और स्टॉक सी जो है वो मार्केट लाइन के ऊपर है अब ये वही सिनारियों जिस तरह मैंने आपको बता दिया था कि अगर सी स्टॉक इज ऑफरिंग मोर रिवॉर्ड टू रिस्क एज कम्पेयर टू द मार्केट एज होल और विद रिगार्ड टू सम स्पेसिफिक सिक्योरिटी देन उसमें एक करेक्शन आती है करेक्शन फॉर एग्जाम्पल सी स्टॉक जो है दैट इज आई मीन ऑफरिंग मोर देन द मार्केट मार्केट के तमाम एसेट्स जो हैं वो इस लाइन पे आने चाहिए एज पर आर कंक्लूजन लेकिन अगर सी नहीं है तो इट मीन्स कि इट हैज मोर रिवॉर्ड रिस्क देन द रेस्ट ऑफ द मार्केट और करंटली इन दिस सिनारी दैट इज स्टॉक ए एंड बी सी के ज्यादा है तो क्या होगा कि सी में ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे उसकी प्राइस जो है उसमें इंक्रीज आएगी एंड उसका रिवॉर्ड और रिस्क रेशो

उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी पोजीशन लिक्विडेट कर देंगे उसकी डिमांड कम हो जाएगी प्राइस जो है वो नीचे आ जाएगी और जब प्राइस नीचे आ जाएगी तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स उसके इंक्रीज करेंगे एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल स्टॉक डी फाइंड इट्स प्लेस ऑन द स्ट्रेट लाइन तो ये एक रिजल्ट दूसरी सिनारियों में दिया गया है इसके बाद थोड़ा सा और एडवांस करते हैं इस टॉपिक को और सिक्योरिटी मार्केट लाइन की बात कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में देखें कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है वो भी सिक्योरिटी मार्केट लाइन के सिलसिले के कॉन्टेक्स्ट में ही हमें बताता है कि जो बेसिकली रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो है या जो पोर्टफोलियोज के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है और उनके बीटास हैं उनके कम्बिनेशन से जो लाइन हमने से डराइव की जो बोल्ड रेड लाइन थी स्टॉक ए और बी में डेट इज़ नोन एज सिक्योरिटी मार्केट लाइन अब यहाँ पे एक और स्लाइड को देखते हैं और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में सिक्योरिटी मार्केट लाइन को देखते हैं कि

यानी कि जो मार्केट का पोर्टफोलियो है जिस तरह हमने बताया कि जितने भी ट्रेड हो रहे हैं इस वक्त शेयर्स या स्टॉक्स मार्केट में वो एक पोर्टफोलियो है और उन तमाम का बीटा जो होगा वो एवरेज होगा विच इज वन देन द स्लोप ऑफ से मार्केट लाइन जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन है उसको हम ये देख लेते हैं आपको एक इस स्लाइड में नजर आ रहा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम मार्केट ई आर एम स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो राधर एंड वी सब्ट्रेक्टेड रिस्क फ्री रेट एंड डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ मार्केट ये पहला जो सेगमेंट है इस इक्वेशन uh, का ये मार्केट को मार्केट की जो आपकी लाइन है उसको मैयर कर रहा है सिक्योरिटी मार्केट लाइन यही फार्मूला हमने स्टॉक ए और बी में जब हमने सिक्योरिटी मार्किट लाइन जो है वर्कआउट की थी तो यही हमने जो है वो फार्मूला इस्तेमाल किया था अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि वी हैव ऑलरेडी द वैल्यू ऑफ मार्किट बीटा जिस तरह के मैंने आपको एक्जम्पन में बताया था इसके ऊपर कि चूँकि ये मार्किट का है इसलिए इसका बीटा जो होगा मार्किट का वो वन होगा इस इक्वेशन को नेक्स्ट फेज में अगर आप देखेंगे वही एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई वन बीटा चूंकि मार्किट का वन है इसलिए हम वन लिख दिया लेकिन इसको थोड़ा सा और रिफाइन करें कि जब जो हमारा वन है आ, इसको अगर हम ना भी लिखें तो डजेंट मेक एनी डिफ्रेंस तो डिनिनेटर को अगर हम रिमूव भी कर दें तो हमारे पास जो नेट इक्वेशन बचती है वो ये है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट लेस रिस्क फ्री रेट तो ये रिस्क मार्केट रिस्क का प्रीमियम आ जाता है अब अगर हम बात करें किसी एक एसेट की मार्केट में कि इफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन से एनी एसेट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई ओवर हियर कि इफ ई आर आई एंड बीटा आई रिप्रेजेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड बीटा ऑफ एनी एसेट इन द मार्केट तो हमारे पास क्या आ जाता है इसका कि एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइड बाई बीटा और वही एसेट जो है जिस तरह की मैंने आपको बताया कि हर एसेट जो है मार्केट में वो सिक्योरिटी मार्केट लाइन पे फॉल कर रहा होगा उसके ऊपर हो रहा होगा तो इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम कहाँ तक पहुँचते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है एनी एसेट पे किसी भी एसेट पे वो दैट इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है मार्केट का माइनस रिस्क फ्री रेट इनटू बीटा ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी और आई यानी कि रीअरेंज करें अगर हम जो फर्स्ट इक्वेषन है हमारे पास और किसी एक सिक्योरिटी का अगर हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है तो वो इस इक्वेशन से निकलेगा एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इक्वेशन एक मरतबा फिर इक्वेशन को देख लें कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ऑफ एनी एसेट इज रिस्क फ्री रेट प्लस जो आपका रिस्क प्रीमियम है मार्केट रिस्क प्रीमियम जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मार्केट के हैं माइनस रिस्क फ्री रिटर्न इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टॉक के बीटा के साथ और ऐड कर देंगे इसको रिस्क फ्री रेट के साथ तो ये इक्वेशन जो है ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की इक्वेशन जो है वो कहलाती है अब देखें इस इक्वेसन को ब्रेकअप करते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि वट डज इट टेल्स ये हमारे पास के ये इक्वेशन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम वैल्यू की बात कर रही है हमारे पास जो आर एफ आर है आपको पहले सेगमेंट में नज़र इट टेल्स के ये से होल्डिंग ऑफ मनी क्या है यू आर नाट गोइंग टू टेक एनी रिस्क जब आप कोई रिस्क नहीं ले रहे सो इट्स जस्ट वेटिंग फॉर मनी रिस्क फ्री रेट है ये आपका मनी को अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने का जो है वो एक रिटर्न है जब आप से रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं रिटर्न बहुत कम होती है ठीक है तो ये फर्स्ट जो पार्ट है रिस्क फ्री का तो ये सिंपली टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे फिर जो नेक्स्ट पोर्शन था इसका कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट ये मार्केट के जो रिवॉर्ड है रिस्क का उसको मयर करता है आपने फर्स्ट पार्ट में सिर्फ अपने जो इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने का आप वो रिटर्न आपको रिस्क फ्री रेट की सूरत में मिलता है लेकिन जब हम बात करते हैं कि उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मार्केट का है उसमें से रिस्क फ्री का हम जब पोर्शन निकालते हैं तो वो आपका रिस्क लेने का रिवॉर्ड है तो जब हम पहले पार्ट को और दूसरे पार्ट को जब एड करते हैं तो इट टेल्स अस कि आप एक तो

बीटा के ज़रिए हम मैयर करते हैं और ये रेलेटिव टू द मार्केट हम मैयर कर रहे होते हैं कि मार्केट के लिहाज से सिक्योरिटी का है हमने वो वी कवर के वो तीन टाइप्स के होते हैं एवरेज बीटा होता है अबव एवरेज बिलो एवरेज और उसी से हम एग्रेसिव और डिफेंसिव स्टॉक जो हैं वो, वो वर्कआउट करते हैं अब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को हम किस तरह यूज़ करते हैं कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल की एप्लीकेशन को देखते हैं एक एग्जाम्पल है पास। हमारे पास उसमें हमारे पास रिस्क फ्री रेट एज्यूम किया हमने 4% है और मार्केट रिस्क प्रीमियम जो है दैट इज 8.6% एक सिक्स परसेंट एक स्टॉक है स्टॉक ए उसका बीटा जो है दैट इज 1.3 और रिक्वायर्ड क्या है हम के एस्टिमेटेड जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन स्टॉक ए एंड what will be the expected return of stock a if beta is doubled? now, we can plug in all the values in the capital asset pricing model equation. we have just worked out or, wo apke samne skreen pe dubara hep, the expected return from stock a will be risk-free rate plus expected market rate, माइनस रिस्क फ्री रेट ये अगर एक्सपेक्टेड मार्केट रेट जो है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री तो इसको दैट इज नोन एज मार्केट रिस्क प्रीमियम भी बोलते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बीटा ऑफ स्टॉक ए से तो अगर हम इसी तरह प्लग इन करें कि फॉर एग्जांपल फोर इज आर रिस्क फ्री रेट और इसमें हम प्लस करें अगर एट पॉइंट इज द से प्रोडक्ट ऑफ ई आर एम माइनस आर तो हमारे पास एट मल्टीप्लाई बाय बीटा जो है 1.3 प्लस 4, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक ए वाइल द बीटा इज 1.3, तो ये 15.18 जो है ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है अगर ये रिटर्न जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न वो कहाँ पे आ, होगा अगर बीटा जो है दैट इज डबल्ड से 1.3 टू 2.6 पे चला जाए तो डेफिनेटली क्या होगा कि 8.6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो आ, हमारा बीटा है 2.6 से और उसमें ऐड कर देंगे फोर विच इज़ रिस्क फ्री रेट दाव और एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 26. सिक्स आप ये देखा है कि बीटा डबल करने से एग्जैक्टली exactly डबल नहीं हो रहा आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न उसकी वजह यह है कि आपका रिस्क फ्री रेट तो सिंगल ही रहेगा वो तो फोर ही रहेगा दोनों सुनारियों में बीटा अगर वन पॉइंट थ्री है या टू पॉइंट सिक्स है आपका रिस्क फ्री रेट जो है वो फोर ही रहेगा दैट्स वाई आप ये, ये ये नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते कि वन में अगर वो फिफ्टीन है पॉइंट पे वो 30.36 पर चला जाएगा तो ये इस तरह हम वर्कआउट करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न यूजिंग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इक्वेशंस इसके अलावा हम अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू स्टॉक्स को भी वर्कआउट कर सकते हैं उसको सिक्योरिटी मार्केट लाइन की जो स्लोप वाला फार्मूला आपने uh, अभी देखा उसके ज़रिए से हम स्लोपारेल्यू और ओवर वैल्यू स्टॉक्स को वर्कआउट कर सकते हैं इसकी भी एक एग्जाम्पल देख लें वी हैव टू हेपथेटिकल स्टॉक्स ए बी सी एंड एक्स वाई जी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए बी सी इज फिफ्टीन परसेंट एंड द बीटाई बी सी इज वन पॉइंट फाइव ऑन द अदर हैंड स्टॉक एक्स वाई जी ऑफर्स से एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एलेवन परसेंट एंड बीटा पॉइंट नाइन परसेंट सो यहाँ पे ऑन द फेस ऑफ द क्वेस्टन अगर आपको कोई डिसशन करना है तो डेफिनेटली यू हैव टू कैलकुलेट और आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू रीच आटर डिसन तो उसके लिए हम ये करते हैं कि एक एजम्पन हमने एक और ली हुई है कि रिस्क फ्री रेट जो है रिस्क फ्री मार्केट का रेट जो है आर एफ जो है दैट इज सेवन तो फर्स्ट ऑफ आल तो ये है कि हम एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हैं वो अगर इसके कैलकुलेट करेंगे तो या रिवॉर्ड टू रिस्क जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं बोथ ऑफ द स्टॉक्स अब एबीसी की बात जब हम करते हैं तो इसमें वही है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 15 है और माइनस किया हमने रिस्क फ्री रेट विच इज 7 डिवाइडेड बाय इट्स बीटा ऑफ 1.5 सो द रिवॉर्ड टू रिस्क रेशॉर स्टॉक ए इज़ फाइव एंड फॉर स्टॉक एक्स इट इज फोर अब ये देखें कि रिवॉर्ड टू रिस्क जो है वो ए बी सी का जो है वो ज्यादा ऑफर कर रहा है इन अदर वर्ड्स एक्स वाई जी इज ऑफरिंग लेस देन एज कम्पेयर टू ए बी सी उसकी वजह ये क्या है कि द स्टॉक एक्स वाई जी ऑफर एन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द लेवल ऑफ रिस्क रिलेटिव टू ए बी सी अब यहां पे कंपेरिजन जो हम एक्स वाई जी का कर रहे हैं वो ए बी सी से कर रहे हैं कि एबीसी जो है वो रिवॉर्ड रिस्क की रेशो जो है उसकी वो ज़्यादा है उस लिहाज से जो एक्स वाई जी है वो इनसफिशिएंट जो है वो रिवॉर्ड ऑफर कर रहा है उसी लेवल के रिस्क का तो इस इट मींस के वी कैन से ए एबीसी जो है वो अंडरवैल्यूड है और एक्स वाई जी जो है वो ओवर है अब ये देखें यहाँ पे भी वही आप देखेंगे कि जब दोनों स्टॉक्स में कुछ वेरिएशंस हैं क्योंकि तमाम जितने भी स्टॉक्स हैं मार्केट में उनको एक लाइन पे होना चाहिए था लेकिन अगर एबीसी जो है वो ज़्यादा जो है वो ऑफर कर रहा है और एक्स वाई जी या काम कर रहा है तो एक वो डिमांड सप्लाई के फंक्शन से ये दोनों जो है एक ही लाइन पर फिट इन हो जाएंगे लेकिन इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जो स्लोप है मार्केट लाइन की उससे वर्कआउट कर सकते हैं कि कौन सी सिक्योरिटी जो है वो आपकी अंडर वैल्यूड है और कौन सी सिक्योरिटी जो है वो आपकी ओवर वैल्यूड है तो ये आपका रिस्क और रिवॉर्ड की मैरमेंट जो थी उसका एक हमारे पास टॉपिक था लेट्स रिक एक इसको जो मेन पॉइंट्स इसके हैं और जो उसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको हम एक मरतबा फिर नोट कर लेते हैं कि टोटल रिस्क टोटल रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज़ बाय बाई डेविएशन और वेरिएंस। टोटल रिस्क जो है उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस से मैयर करेंगे टोटल रिटर्न्स जो है वो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपेक्टेड होती हैं और अनएक्सपेक्टेड होती हैं Gains, जो डिविडेंड्स होते हैं और जो कैपिटल अप्रिसिएशंस होती हैं उनको हम जब एड अप करते हैं तो हमारे पास जो टोटल रिटर्न बनती है आपको शुरू में ही हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो रिटर्न फ्रॉम स्टॉक इन्वेस्टमेंट हैं वो उनके वी कैन ब्रेक डाउन इनटू टू सेगमेंट्स फर्स्ट इज डिविडेंड्स और सेकंड वन इज़ प्राइस एप्रिसिएशन से शू आप करते हैं तो वो टोटल गेन जो है वो उसको डिवाइड करें अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट से तो वो आपकी परसेंटेज जो है वो बनती है फिर बात हमने की सिस्टेमैटिक और अनसिस्टेमैटिक रिस्क रिस्क को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं एक सिस्टेमैटिक रिस्क होता है एक अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है सिस्टमैटिक रिस्क इज आकोनी वाइड और से मैक्रो रिस्क एक रिस्क होता है जिसमें कि तमाम एसेट्स जो हैं वो इक्वली इफेक्ट हो रहे होते हैं फॉर एग्जांपल के हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं हमारा जो एक्सचेंज रेट है ये या मार्केट का जो पोलिटिकल आपका सिस्टम है ये ऑल द स्टॉक्स एंड ऑल द बिजनेस आर एक्सपोज टू दिस सिस्टमेटिक रिस्क मार्केट रिस्क भी होता है इसको अन रिस्क भी कहा जाता है नॉन डावर्सिफाइबल रिस्क भी कहा जाता है तो एक पोर्शन तो ये सिस्टमेटिक रिस्क है कि जिसमें सारे एसेट्स जो हैं वो इक्वली इफेक्ट हो रहे होते हैं और दूसरा जो रिस्क का पोर्शन था विच इज से अनसिस्टेमैटिक उसमें ये होता है कि ये यूनिक रिस्क होता है आई मीन फेस्ड बाय इंडिविजुअल अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी स्टॉक और अजनस अब ये जो अनसस्टमैटिक जो होता है या जो से यूनिक रिस्क होता है इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं डायवर्सिफ़िकेशन से इसलिए जो अनसिस्टेमैटिक रिस्क होता है वो डायवर्सीफाइबल भी होता है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं डाइवर्सीफकीसन से अब डायवर्सिफिकेशन क्या थी कि डाइवर्सिफ़िकेशन में हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को स्प्लिट अप कर दिया था हमने एक स्टॉक की बजाय हमने एक से ज़्यादा स्टॉक में अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट की और इसका डायवर्सिफ़िकेशन का हमने ये भी देखा कि जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटजी जब हम करते हैं वी स्प्लिट ऑफ आर इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सिक्योरिटीज़ एंड ऑल दीज सिक्योरिटीज़ जो है वो एक पोर्टफोलियो बनाती तो पोर्टफोलियो की जो एक स्ट्रांग करेक्टरिस्टिक हमने देखी वो ये है कि अगर सिक्योरिटी अंडरलाइन जो हैं इस पोर्टफोलियो में अगर वो नेगेटिवली को हैं तो इसके रिटर्नस जो हैं पोर्टफोलियो के ज़्यादा होंगे डाइवर्सिफिकेशन से हमने पोर्टफोलियो को बनाया और पोर्टफोलियो में जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं अगर वो नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं तो डेफिनेटली रिटर्न आपका जो है पोर्टफोलियो का वो बेहतर होगा तो एक चीज़ पोर्टफोलियो से ये आपने की कि आपने जो अनसिस्टेमैटिक रिस्क था उसको एलिमिनेट कर दी उसकी ये वजह थी कि जो वेरिएबिलिटी इंडिविजुअल स्टॉक में आती है वो जितने भी पोर्टफोलियो के अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ होती हैं उनमें उसी प्रपोर्शनेड प्रोपोर्शन proportion से वेरिएशंस जो हैं वो नहीं आती कुछ जो हैं स्टॉक्स जो हैं वो से भेरिस ट्रेंड में या रिसेशन में अच्छे हो रहे होते हैं रिटर्न्स पेज रहे यील्ड कर रहे होते हैं कुछ जो हैं वो बूम में अच्छे हो रहे हो रिटर, रिटर्न जो है वो दे रहे होते हैं तो उससे आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है उससे उस पर काम फर्क पड़ता है और आप कम्प्लीटली जो अनसिस्टेमैटिक रिस्क है उसको जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं डायवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो से उसके बाद हमारे पास जो सिस्टमेटिक रिस्क रह गया क्योंकि अनसिस्टमैटिक को तो हमने ख़त्म कर दिया जब वो पोर्टफोलियो में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी स्प्लिट अप कर दी तो सिर्फ एक रिस्क रह गया और उस रिस्क को जो कि सिस्टमेटिक रिस्क है उसको हम बीटा से मैर करते हैं जो रिवार्ड है फॉर बेरिंग रिस्क दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द लेवल ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क बीटा में यह होता है कि आपका एक से जो रिस्क है सिस्टमैटिक हास्ट सिक्योरिटी का उसको हम उसके बीटा से मैर करते हैं और इसी से हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन जो है वो डिटरमिन करते हैं इसमें ये भी है कि जितने भी स्टॉक्स मार्केट में होते हैं वो तमाम के तमाम एक सिक्योरिटी ला, एक लाइन पे फिट इन हो रहे होते हैं तमाम रिवॉर्ड और तो रिस्क रेशो जो है मार्केट में तमाम एसेट का वो एक लाइन पे आ रहा होता है जिसको हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन कहते हैं और इसको हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की इक्वेशन से मैयर कर रहे होते हैं जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन है बेसिकली वो मैयर कर रही होती है वो दैट जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है पोर्टफोलियो के और पोर्टफोलियो को बीटा है उसको वो मैयर कर रही होती है और उसी पे ही हम एज्यूम करते हैं कि तमाम स्टॉक्स होंगे इन केस अगर कोई स्टॉक जो है वो सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर होता है तो so डेफ़िनेटली उसमें करेक्शन इस तरह आती है कि इन्वेस्टर्स उसमें अट्रैक्ट होते हैं डिमांड आती है और उसकी प्राइस जब इंक्रीज कर जाती हैं तो एक्सपेक्टेड जो है वो जो रिटर्न्स हैं वो कम हो जाती हैं और इसी चीज़ को सिक्योरिटी मार्केट लाइन के स्लोप से हम मैर करते हैं कि टू रिस्क रेशो क्या है इसी मॉडल से जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है इससे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हैं वो एक जो से सिक्योरिटी है किसी भी सिक्योरिटी के एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हैं वो हम वर्कआउट कर सकते हैं और इसी को यूज करते हुए हम ये डिटर्मिन कर सकते हैं बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट कि विच स्टॉक इज ओवर वैल्यूड एंड विथ स्टॉक इज अंडर वैल्यूड लास्टली वट कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल टेल्स हमें ये तीन चीजों के बारे में बताता है एक तो आपका रिस्क फ्री रेट के बारे में बताता है कि ये इट्स ए टाइम वैल्यू ऑफ मनी से इट्स ए रिवार्ड फॉर होल्डिंग योर मनी इन अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट दूसरी बात वो मार्केट रिस्क प्रीमियम की आपको बता रहा है कि जो हमने फॉर्मूला इक्वेशन में ई आर एम माइनस आर एफ का जो एक सेगमेंट था इट मीन्स के सिक्योरिटी का जो जो मार्केट रिस्क प्रीमियम है वो आपको कितना मिल रहा है ख़ास इन्वेस्टमेंट पे तीसरी जो चीज़ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल आपको बता रहा है दैट इज बीटा और इन तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन जो है उससे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की क्वेश्चन जो है वो वजूद में आती है तो ये हमारा रिस्क मैयरमेंट का एक मॉड्यूल था जिसमें कि हमने जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और उसकी मैयर बैंड स्टैंडर्ड एवियशन वेरिएशंस पोर्टफोलियोज़ को कवरअप किया तो यहाँ पे यहाँ पे ये लेक्चर भी कंक्लूड होता है और ये मॉड्यूल भी इन अगले लेक्चर में हम कुछ जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज हैं कैपिटल स्ट्रक्चर वो उसको अंडरटेक करेंगे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अपना अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इनशाला शुरू करेंगे तब तक के लिए आई विल एडवाइज यू कि ये जो मॉड्यूल अभी हमने पढ़ाया दैट वॉज़ वेरी इम्पॉटेंट एंड क्रूशल फॉर फॉर अ फांशियल मैनेजर एंड स्टूडेंट एज वेल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए भी तो इसको इसकी प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा इन अगले लेक्चर में मिलेंगे अल्लाह हाफिज़